जय श्री राधे। कार्तिक माह तो कैलेंडर के हिसाब से, हमारी तिथि के हिसाब से प्रतिपदा है 29 अक्टूबर को। 29 अक्टूबर को प्रतिपदा है, कार्तिक माह शुरू है। जैसे होता है ना, आश्विन, कार्तिक, इस तरह से कार्तिक माह 29 अक्टूबर से शुरू है। लेकिन कार्तिक नियम सेवा, कार्तिक नियम सेवा 25 अक्टूबर से शुरू है। जो वैष्णवों में नियम लिया जाता है कि आज से हम जमीन पर सोएंगे, आज इतनी माला करेंगे, आज तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे, आज राधा दामोदर के दर्शन करेंगे, कार्तिक की नियम सेवा जो है वो एकादशी से शुरू हो जाती है और वो है 25 अक्टूबर बुधवार। उस दिन से वैष्णव लोग, समस्त वैष्णव लोग, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव लोग कार्तिक नियम सेवा, अपना जो नियम लेना होता है, 25 तारीख से शुरू करेंगे। और ऐसे ही विश्राम की स्थिति होती है कि बहुत से जो विरक्त वैष्णव हैं वो 23 23 नवंबर 23 नवंबर को देवउठान एकादशी है, उस दिन अपने व्रत का विश्राम कर देते हैं। और बहुत सारे जो हम गृहस्थ वैष्णव हैं, जहाँ महिलाओं को भी बाधा आती है थोड़ी बहुत, तो वो रास पूर्णिमा तक इसको चलाते हैं, जो है 27 नवंबर की। 23 तक विश्राम दे सकते हैं चाहें तो, 27 तक दे सकते हैं। और बहुत से लोग जो है, जो केवल तिथि कैलेंडर को मानेंगे, वो 29 अक्टूबर को शुरू करेंगे और 27 नवंबर को शेष करेंगे। वैष्णव लोग 25 अक्टूबर को शुरू करेंगे, और दो ऑप्शन है, या तो 23 नवंबर को शेष करेंगे या 27 नवंबर को शेष करेंगे। इनको नोट कर लीजिएगा, तिथियों को रख लीजिएगा। जय श्री राधे, जय अनुभव। बोल हरि बोल हरि।